गाइस, व्हाट्स अप? लेजेंड इज हियर। और अभी हम लोग खेल रहे हैं फिर से क्लैश ऑफ क्लैंस। सो ये देखिए, हमारा बिल्कुल 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 ब्रांड न्यू बेस। तो रिसेंटली पता होगा, हमने टाउन हॉल 10 पे अपग्रेडिंग को लगाया था और हमारा सक्सेसफुली अपग्रेड भी हो गया था 2 हफ्ते पहले। यस, और 2 हफ्ते में हमने कितनी प्रोग्रेस की। तो इन्फर्नो टावर्स लगाए, एक एक्सपो लगा लिया, और क्या किया हमने, हमने सारे आर्मी कैंप्स को लेवल 7 का कर लिया। हमने अपनी आर्मी चेंज कर ली, हमने हाइब्रिड आर्मी के सारे ट्रूप्स को मैक्स कर लिया, जैसे विजर्ड, बलून, वॉल ब्रेकर और स्पेशली हॉग राइटर। हमने माइनर को अनलॉक कर लिया, हमने स्पेल फैक्ट्री मैक्स कर ली, क्वीन को लेवल 10 का कर दिया, एंड हमने क्लैन कैसल को कर दिया लेवल 6 का, और सारे आर्चर टावर्स लेवल कर दिए 8 के, सारे कैनन्स कर दिए लेवल 8, सारे कैनन्स लेवल 8 के कर दिए, वो पहले से ही थे, और अभी हम कर रहे हैं सारे कैलस को लेवल 9 का। मीन्स प्रोग्रेस ओपी चल रही है, और हमने पूरी अपनी आर्मी चेंज कर दी है, सीरियसली आर्मी ही चेंज कर दी। सो बेसिकली अब हमने जब फाइनली अनलॉक कर ही लिया है माइनर्स को, तो हमने हाइब्रिड आर्मी चेंज कर दी है। तो ये तो मैंने कैसी ये एक आर्मी रख ली, बट हमारी जो मेन आर्मी है वो है ये 6 हॉग्स हम रखते हैं, 6 विजर्ड रखते हैं, 4 हीलर्स रखते हैं क्वीन वॉक के लिए, और क्वीन वॉक के लिए मैक्स होती हैं 5 हीलर्स। तो हम काफ़ी क्लोज आ रहे हैं 5 हीलर्स के, और 5 हम बलून्स रखते हैं, 11 हॉग राइडर रखते हैं, 2 वॉल ब्रेकर, 1 ड्रैगन, 6 माइनर्स, 2 रेज, 2 हील, 2 इलेक्ट्रिक और 1 फ्री स्पेल। बाय द वे, हमारा डार्क एलिक्सर डार्क डार्क स्पेल फैक्ट्री भी मैक्स होने जा रहा है। सो आज हम क्या करने वाले, एंड यही एक और चीज़ नहीं है, हम अपने इसको भी गियर अप कर रहे हैं मास्टर बिल्डर की हेल्प से। और एक और चीज़, क्या आप रेडी हैं वो चीज़ देखने के लिए? बोट देख के तो समझ ही गए होगे। सो इन 3 2 1 बूम बॉय। सो हमने अपने बिल्डर हॉल को भी कर लिया फाइनली लेवल 8 का, और हमने मीन्स ये देख सकते हो मेगा टेलेसा को हमने कर लिया है बिल्ड, वेरी एपिक एपिक एपिक। एक सेकेंड ना, ओके। सो हमने मीन्स काफ़ी सारी प्रोग्रेस की है, एंड सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है इस सारी प्रोग्रेस में। सो प्रिटी एपिक, और ये मेरा थोड़ा लैगी हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, और कोई नहीं। तो अभी हम लोग अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? सो सबसे पहले, एंड ये देख सकते हो हमारा, हमने सुपर पैक का अनलॉक कर लिया, एंड हमें भाई एग्जिट नहीं करना यार, एग्जिट करवा रहे हो फालतू में। सो ये हमें जेम्स मिल गए, सो काफ़ी सारे वो भी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये 2 और खुशखबरियाँ, हम क्रिस्टल लीग पे आ गए हैं पहली बात, और दूसरी बात हमारा प्रमोशन हो गया, हम बन चुके हैं क्लैन के को लीडर। ओ वाओ, हम क्लैन के को लीडर बन गए, अब आ जाओ यार हमारे क्लैन में रॉयल नाइट। मैं अपने क्लैन का टैग दिखा देता हूँ, देख लो यार, ज्वाइन कर लो जल्दी से क्लैन को, अब तो तुम्हारा भाई को लीडर बन गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले, एक अटैक करने वाले हैं, सस्ता सा अटैक, हार भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो हमारी सेकेंड आर्मी होगी उससे हम अटैक करेंगे वॉर में। तो चलो चलते हैं, पहला क्रिस्टल लीग अटैक ढूंढने के लिए, आई मीन पहला क्रिस्टल लीग अटैक नहीं, मतलब हाँ, हमारा इस वीडियो का पहला अटैक करने के लिए। तो अब जैसे कि देख सकते हो हमें सिर्फ मिलते हैं एपिक बेसिस, और मैं हूँ, मतलब मैं इतना हार्ड नहीं खेलता, आई मीन मैं थोड़ा सस्ता प्लेयर हूँ, सो कोई इजी सा बेस मिल जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अरे वैसे मैं ना कभी, मतलब मैं सोचता हूँ कि काश मुझे इजी बेस मिल जाए, लेकिन बाद में कभी कभी जब मैं देखता हूँ, कभी कभी मैं ऐसे भयंकर बेसिस पे अटैक करता हूँ, तो मुझे लगता है नहीं यार, कैपेबिलिटी है अपने में कि हम भयंकर बेसिस, जैसे कि टाउन हॉल 9 के बेसिस, ऐसे बेसिस को हम अटैक कर सकें, बट वही डर लगता है ये ट्रॉफीज वॉफीज वगैरह का लॉस वगैरह ना हो जाए। जैसे कि ये बेस है, ईजी लग रहा है, मतलब मैं इस पर चाहूँ तो 1 स्टार तो ला ही सकता था,
लेकिन नहीं, हमें चाहिए एक बेस कुछ इस प्रकार का। हम इस पर अटैक करने वाले। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वीन वॉक के साथ। अच्छा खासा बेस है और लूट नहीं है, पर ट्रॉफीज देखो, ट्रॉफीज 33 मिल रही हैं। तो यार हम वो गवाना थोड़ी ना चाहेंगे। एक बलून डाल देंगे, वॉल ब्रेकर डालेंगे एक वॉल तोड़ने के लिए। ओके किंग को घुसाएंगे अंदर। नहीं यार किंग तो पागल है क्या, हट यार किंग पागल है। तो अब हम ये फंसाएंगे। ओह शिट, मैंने बलून यूज़ कर लिया। ओह नो, मुझे इसको वॉर के लिए यूज़ करना था। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। लॉल, यहाँ पे देंगे सबसे पहला हील और दे देंगे यहीं पे पहला रेज। क्वीन 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 रेज चाहिए क्वीन को, क्वीन नीड्स रेज। यहाँ पे हम कहीं जैप कर सकते हैं क्या, यहाँ पे कर सकते हैं। ओके हम यहाँ पे फिर हील भी दे सकते हैं। ओके अब हम यहाँ पे फ्रीज कर सकते हैं। ऑल राइट ऑल राइट। तो देखो जैसे कि देख सकते हो हमने एक स्टार निकाल लिया कुछ भी करके। लॉल एक स्टार निकाल लिया कुछ भी करके, इतना मर भर गए हम लोग। और तब जा करके एक स्टार, सिर्फ एक स्टार, सीरियसली एक स्टार निकला है। लॉल सो बेसिकली। और हाँ अभी जो हमारा CWL में जो चल रहा है, अभी अभी फ्रेशली जस्ट नाउ शुरू हुआ अटैक, तो मतलब यार क्या बताऊँ, इतना घटिया क्लैन है उसके सारे के सारे, आई मीन सीरियसली सारे के सारे ट्रूप्स इतने लो हैं ना, इतने लो हैं, सब कुछ लो है। मुझे मुश्किल से एक चैलेंजिंग बेस मिला, एक नंबर 7 का। यस नंबर 7 का भाई, इसकी इतनी बकवास बेसिस है ना उस क्लैन के। ओके हमने प्रिटी मच बहुत सारा निकाल लिया क्वीन की हेल्प से। एंड नाइस, देखो अगर हीलर्स मर गई ना तो मीन्स यू नो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके तो क्वीन को बेस निकालते हुए देखते हैं। चलिए ओके क्वीन 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 ले जा ले जा, सब कुछ ले जा। वेरी गुड वेरी गुड। ओके नाइस नाइस। ओके ओके गई 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 भाई गई, छोड़ दो उसे। 11 ट्रॉफीज मिली हैं और मतलब हमने 76% निकाला है। ऑफ कोर्स 11 ट्रॉफीज तो मिलनी ही थी फॉर श्योर। ओके तो अभी हो रही है हमारी क्वीन साहिबा और बारबेरियन साहब हील। क्या मेरे पास इनफ जेम्स हैं? नहीं मेरे पास जेम्स नहीं हैं कि मैं इन लोगों को हील कर सकूं अभी के अभी, लेकिन मैं बूस्ट कर सकता हूं, मैं बूस्ट कर सकता हूं। ओके हमारे पास एक जेम की दंगी हो गई है, नो प्रॉब्स। तब तक जब तक वो लोग रिचार्ज विचार्ज हो रहे हैं अपना, हम कर लेते हैं एक हल्का सा बिल्डर बेस पे अटैक। मैं देखता हूँ कि क्या मैं कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ क्या एक जेम का। आई डोंट थिंक सो कि हम जुगाड़ कर पाएंगे। एंड सबसे पहले रिक्वेस्ट कर देते हैं रॉनिश गेमर, ये रॉनिश गेमर शुभांश शुभांश है, मेरा क्लाइंट है, मेरा दोस्त है स्कूल का। तो हम रिक्वेस्ट कर लेंगे एक बलून के लिए, एक इलेक्ट्रो ड्रैगन के लिए और एक स्टोन स्लैमर के लिए। या हमने सीज मशीन्स भी अनलॉक कर ली है सिर्फ डोनेशंस में। यप तो बेसिकली हम किस पे, नंबर 7 ना यही था ना, या फिर ये था आई गेस नंबर 8 था। हम नंबर 8 पे अटैक करने वाले हैं सीरियसली, और सिर्फ यही एक चैलेंजिंग बेस है। मैं सीरियसली बताऊँ सिर्फ यही है, बाकी देख रहे हैं क्या बेसिस हैं। लूट तो के चलो, लूट तो लूट की तो हमें कोई टेंशन है नहीं, बस इस बात का डर है कि इनके पास कोई रिफ्रेशमेंट्स ना हो। लेकिन भाई इनके पास रिफ्रेशमेंट्स हो भी नहीं सकती, मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि ये लोग भाई जीरो अटैक करते हैं और सीजन इन्फो में देखें हम नीचे चल रहे हैं और ये सबसे नीचे, और इन्होंने जीरो स्टार अटैक किया, सीरियसली जीरो। तो यार इन पे तो हम आसानी से कायम कर लेंगे और हम आखिरी वॉर शुरू होने वाली है। चेंज पार्टिसिपेंट्स मेंबर्स नहीं करना मुझे चेंज, सो बेसिकली काफ़ी एपिक होने वाला है ये। तो अभी हम क्या करें, देखो क्वीन की तो कोई टेंशन नहीं है, क्वीन को तो ये सेकेंड, मेरे पास काफ़ी सारे वो हैं। ओके हम बूस्ट कर सकते हैं। ओके बूस्ट कर देते हैं बिकॉज यू नो हमें बूस्ट की ज़रूरत है,
क्योंकि मैजिक आइटम्स देख सकते हो बहुत सारे। मैंने एक ट्रेनिंग पोर्शन वीडियो बनाने से पहले यूज़ किया और एक ट्रेनिंग पोर्शन अब यूज़ किया, तो चलो हमारे पास स्टोरेज हो गई कम से कम। हमारे पास 3 पावर पोर्शन है, 3 हीरो पोर्शन है, 1 क्लॉक टावर पोर्शन है और थोड़े से पोर्शंस मेरे पास यहाँ पे भी है। हीरो पोर्शन, पावर पोर्शन, क्लॉक टावर पोर्शन, देख रहे हो गाइस अमीरी। अभी तो फिलहाल मैं नहीं ध्यान दे रहा पास पे, पास काफ़ी अच्छा है इस बार का, लेकिन सैडली हम खरीदने नहीं वाले फिर से। तो एक सेकेंड, ओके। तो अगर हम इस वाले वॉर में 1 स्टार ला लेते हैं जो हम ईजिली लाने वाले, तो हमें 200 ये मिल जाएंगे पॉइंट्स, दैट्स प्रीटी गुड। तो अभी हम चलते हैं एक अटैक करने के लिए, एक बिल्डर बेस अटैक। तो ये आ गया है हमारा बेस, ओके। आसपास कुछ नहीं है, ओके। तो बेसिकली हम अटैक करेंगे इस साइड से। तो पहले हम बारबेरियंस को हर जगह फैला देंगे, फिर यहाँ डालेंगे वॉल ब्रेकर्स, यहाँ डालेंगे ये, पीछे से आएंगे हमारी एक लाइन की पाथ खुला, डालेंगे इनको, पेका को भी घुसा देंगे, और पीछे से आएंगी हमारी 2 विचेस, ओके। अब देखते हैं हाउ वेल हमारा अटैक जाता है, ओके। बड़े ही बकवास अटैक जाएगा, लॉल भाई ये तो हार गए। अरे यार क्या करता है तू, पेका बहुत मस्त लगा, लेकिन यार मैंने देखा था कि पेका ब्लास्ट होता है, लेकिन यार इसमें मरने के बाद पेका ब्लास्ट नहीं होता है, हो सकता है अपग्रेड करने के बाद ब्लास्ट हो जाए, पता नहीं, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। वेरी डिसअपॉइंटिंग, सीरियसली वेरी मच डिसअपॉइंटिंग। यस, विचेस बड़ी काम की होती हैं एक्चुअली, ओके। 50% तो हमने हासिल कर ही लिया, 1 स्टार मिल ही गया, और क्या चाहिए। यप, राइट, 50%, ओके। लगता है इस अभी तक तो हमारे ये दोनों भी ट्रेन हो गए होंगे, ओके, यस, ओके। हमें अटैक करना है, अटैक 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 अटैक। सो बेसिकली हम किस पे अटैक करने वाले थे, हाँ नंबर 8 पे ना, यस हम नंबर 8 पे अटैक करने वाले थे। सो ये है बेस, वो ये कितनी लूट मिल रही है, 7 लाख की, अरे अरे पीछे मत जाओ, ओके। 7 लाख की लूट मिल रही है, काफ़ी एपिक है, और मुझे लगता नहीं कि हम 3 स्टार कर पाएंगे। अगर अगर क्लैन कैसल में कुछ हुआ तो हम 3 स्टार कतई नहीं कर पाएंगे। तो रिफ्रेशमेंट्स नहीं है हमारे पास, सैड लाइफ, बट अटैक करते हैं यार, हमको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे कुछ है, हम एक विजर्ड से उसे डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी था वो गया। 2 विजर्ड को डालेंगे यहाँ पे और क्वीन वॉक शुरू करेंगे हम यहाँ से, बूम बॉय। एक ये डालेंगे, एक हम वॉल ब्रेकर डालेंगे ताकि किंग घुस जाए, ओके। तो किंग को अब घुसाएंगे अंदर, विजर्ड को हमने वहां इसलिए डाला ताकि किंग अंदर घुसे, वरना भी किंग पागल है। यहाँ हम जैप कर सकते हैं हल्का सा, किंग को एबिलिटी देंगे और हॉगिंग करना शुरू करेंगे। माइनस ये विजर्ड बलून्स, पीस, यहाँ पे डालेंगे हील एंड यहाँ पे दे देंगे रेज, ओके। कहीं कहने गलत जगह तो रेज नहीं दे दिया ना, ना 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 ना, मैं कभी गलत हो सकता हूँ क्या गाइस, नेवर नॉट, ओके। अभी हमें किसको फ्रीज करना है, किसको फ्रीज करें, बंधु जी जल्दी बोलिए जी, बंधु जी हम तुमको फ्रीज करेंगे यहाँ पे ऐसे, वेरी एपिक एपिक एपिक, ईजी 3 स्टार, वेरी एपिक। यार क्या मैसेज है इनके जल्दी से, ओके। हमारा एक वो क्लैन का स्पेल बची गया, ऑल राइट, नो प्रॉब्स। बारबेरियन तो मर नहीं सकते, मर गए, कोई नहीं, हमारा क्या जाता है। क्वीन को एबिलिटी दे देते हैं ताकि हमें थोड़ी स्मूदनेस मिल जाए अटैक में। तो यार बहुत इजी बेसिस हैं इस क्लैन में सीरियसली, और लूट देखो, लूट कितनी मस्त है और बेसिस कितने ईजी हैं। भैया अगर तुम्हें ये चिंकी पिंकी वाले क्लैंस मिले, बस ख़त्म कर दो इनको, ओके। विजर्ड्स काफ़ी मस्त है यार, विजर्ड्स सबसे बेस्ट होते हैं, और माइनर्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इनका अटैक डैमेज अच्छा है, ओके। हाइब्रिडिंग एपिक, हाइब्रिडिंग इज बेस्ट बेस्ट बेस्ट। सो ये हमने कर लिया है यहाँ पे भी फाइनली 3 स्टार। सो हमारे
तुम्हारे कितने स्टार्स हो गए? 5 स्टार हो गए। 2 स्टार यहाँ शुभांश ने किए थे, वेरी एपिक। वॉर इन्फो में क्या हमारा हीरोइक अटैक आया? नहीं, हमारा हीरोइक अटैक नहीं आया। सो ये बेसिकली यही थी आज की हमारी वीडियो, मतलब अच्छा चलो 20 मिनट की तो रिकॉर्डिंग हो ही गई है ना। अब मैं सोच रहा हूँ अब हम क्या करें, पहले दो ट्रेन कर देते हैं। ओके, हमने ट्रेनिंग पे लगा दिया सबको। सो यस यस बेसिकली यही थी हमारी आज की वीडियो। ये है हमारा नया बेस, वेरी एपिक, और हमें 7 चीज़ें मिल रही है। ओके, हमें 2 चीज़ें मिली, नाइस। ओके, हमें गोल्ड मिल गया, हमें एलिक्सर मिल गया, ऑल राइट, वेरी एपिक। हमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर ली इस वीडियो में। और क्या कहते हो, एक और क्लैन अटैक हो जाए यहाँ पे, क्यों ना हो जाए यार। सैडली हम हार गए, बट कोई नहीं, मुझे हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम वेरी एपिक। ओके, 2 बिल्डर बेस अटैक, 2 अटैक्स वैसे होम विलेज के, तो ठीक है, आज की वीडियो एपिक हो गई। यहाँ पे हम घुसाएंगे पेका को, पीछे आएंगे तो विचेस, वेरी एपिक, देंगे बिल्डर भाई साहब को एबिलिटी। ओके, काफ़ी सही टाइम पर एबिलिटी दी है हमने, नाइस। पेका और बिल्डर एक साथ हैं, विच इज़ नाइस, क्योंकि पेका बिल्डर जब एक साथ होते हैं तब मचती है सिर्फ और सिर्फ तबाही। ओके, मरते मरते बच गए हमारे बिल्डर साहब। ओके, सैडली हम आई मीन 50% नहीं कर पाए, 48% कर पाए, नो प्रॉब्लम। यही थे आज की हमारी वीडियो, और यही थी हमारी अटैक्स, और ये याद रख लो, हम बन चुके हैं क्लैन के को लीडर। प्लीज़ जाके मतलब ज्वाइन कर लो, मैंने क्लैन कोड भी दे दिया, हमें क्लैन के को लीडर, तो मैं हाँ अच्छा क्या लिखूँगा, बातें शाते करेंगे। ये है हमारा नया बेस, ये भी है हमारा एक नया बेस। That's it for this COC video. और कल मैं देखता हूँ तो Minecraft की वीडियो डालूंगा, और मैंने प्लानिंग कर रखी है कि कल की वीडियो के लिए मैं करूँगा एनचांटिंग, अपनी पिकैक्स को गॉड पिकैक्स बनाऊँगा अगली वीडियो में, जो हो सकता है कल आ जाए। लीव अ लाइक इफ यू enjoyed, और लाइक ठोको, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ठोको, कमेंट सेक्शन में वीडियो का फेवरेट पार्ट बताना, और बताना कि आपको कैसी लगती है ये सीरीज़। और यह 180 सब्सक्राइबर्स करा देना, 200 के करीब है, तो हमारी पहली एनिवर्सरी आ रही है वैसे भी, तो क्या हम अपनी पहली एनिवर्सरी तक 200 सब्सक्राइबर कर सकते हैं, देखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, मेक श्योर टू लीव अ लाइक सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।